और चलिए रुक करते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज जो कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जोशीमठ संकट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आपात बैठक बुलाई है। जोशीमठ प्रभावितों को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज एक बैठक का आयोजन किया जाना है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़ गए। कैलाश, आपसे जानना चाहेंगे बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे ये बैठक होगी? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आज ये आपातकालीन बैठक, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, पर 12 बजे होगी। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होनी है। जोशीमठ आपदा के संदर्भ में राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय आज हो सकते हैं, क्योंकि आपदा से ग्रस्त है जोशीमठ, तो आपदा प्रभावित के पास और उनके मुआवजे के संबंध में कैबिनेट में अहम निर्णय होने हैं। साथ ही अलकनंदा नदी के किनारे जो टो इरोजन रोकने के लिए जो कार्यदायी संस्था है उसको बनाने का निर्णय यहाँ पर होगा, क्योंकि लगातार काफी दिनों से उत्तराखंड का जो जोशीमठ है वो सुर्खियों में है, क्योंकि भू धसाव के चलते जोशीमठ में काफी नुकसान हुआ है। उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आज 12 बजे सचिवालय में बैठक होनी है। तमाम जो मुद्दे हैं बैठक में वो केवल जोशीमठ आपदा को लेकर रहने वाले हैं, क्योंकि जो आपदा प्रभावित है उनके पुनर्वास के मुआवजे को लेकर काफी अहम माना जा रहा है इस कैबिनेट को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी जानकारी दी कि करीब 12 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाना है, तमाम बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर